हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बन के आता फ्रेंड्स से, और बैक साइड इसका इस तरह से बन के आएगा। आइए सीखते हैं। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद एक सिलाई पूरे हम सीधा सीधा करके बना लेंगे। पहली रो पूरी सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी रो में पहला वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे और बाकी पूरे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो रॉन्ग साइड पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट करनी है। ये अस्टा फंदा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर हमारी दो रो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे। ये अस्टा फंदा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ हमने पांच फंदों में धागा घुमा के लेना है इस तरह से। एक, दो, तीसरा फंदा, चार, पांच। पांच फंदे धागा घुमा घुमा के लेना है और यहाँ पर एक फंदे के हम पांच फंदे बना लेंगे। एक बार ऐसे लिया, यहाँ पर तीन फंदे बन गए। एक बार धागा और आगे की तरफ लेके इधर हमारे एक फंदे के वापस पांच फंदे बन गए हैं। फिर पांच फंदे में हमने धागा घुमा के लेना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर एक फंदे के पांच फंदे बनाएंगे। फिर यहां पांच फंदे में धागा घुमा के लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। साइड वाला फंदा है, इसको हम सीधे ही बना लेंगे। इस फंदे को हम उल्टा ही बना लेंगे। यहां पर जो पांच फंदा हमने धागा घुमा के लिया था, अब इनको इस तरह खोलना है। पहले एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदा हमने इस तरह खोलना है। फिर इन पांच फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है। इन पांच फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। और जो एक फंदे के हमने पांच फंदे बनाए हैं, उसको हम बैक साइड से सीधा बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। धागा को अपनी तरफ लेंगे। इधर हमने जो रोल किया हुआ है
घुमा के लिया हुआ है उसको हम पहले खोल लेंगे। 1 2 3 4 5 इसको खोलने के बाद उल्टे हाथ की सिलाई में पहले इनको इस तरह से लेके इन 5 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। और जो एक फंदे के 5 फंदे हैं उनको हम बैक साइड से सीधा सीधा बना के बना लेंगे। 1 2 3 4 5 धागा को अपनी तरफ लेंगे। अब इन 5 फंदों को पहले हम खोल लेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदा खोलने के बाद फिर इन 5ों फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई में रख के इन 5 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। साइड वाला है इसको हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन बन चुका है। अब एक पूरी रो हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन बनने के बाद एक रो पूरी हमने सीधी बनानी है और बैक साइड से भी सीधी ही बनेगी। अब बैक साइड से भी हमने इसको सीधे ही बनाना है। पहला वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे, बाकी पूरे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। यहाँ पर एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा डिज़ाइन शुरू करते हैं। इस पर हमने अब इसके ऊपर हमने 1 फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। पहला वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इधर जो दिख रहा है इसके ऊपर से हमने 1 फंदे के 5 फंदे बनाने हैं जो हमने इकट्ठे घटाए हुए थे बैक साइड से। अब उसके ऊपर से हमने आगे की तरफ राइट साइड से 1 फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। इस तरह से 3 फंदे बन गए और अब 5 फंदे बन गए। अब इन 5ों में धागा घुमा के लेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे धागा घुमा के लेंगे। और यहाँ पर ये फूल दिख रहा है इसके ऊपर हमने 1 फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। 1 3 एक बार धागा आगे लेंगे। यहाँ पर 5 फंदे 1 फंदे के 5 फंदे हमारे बन गए हैं। अब इन 5 फंदों में हम धागा घुमा के लेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे यहाँ 1 फंदा है। अब इसमें हमने 1 फंदे के 5 फंदे बना लेंगे। यहाँ पर 3 फंदे बन गए। एक बार धागा और घुमाएंगे आगे की तरफ। यहाँ 5 फंदे बन गए हैं। साइड वाला फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। फर्स्ट वाला फंदा उल्टा ही बना लेंगे और जो 1 फंदे के 5 फंदे हैं उसको हम बैक साइड से सीधा सीधा करके बना लेंगे। 1 2 3
चार पाँच। धागा को अपनी तरफ लेंगे, पहले इनको सारे फंदों को, हम पांच फंदे को हम खोल लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। पांच फंदे हमने खोलने के बाद इन पांच फंदों का फिर उल्टे हाथ की सिलाई में इसको इस तरह से लेके इन पांच फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से जो बढ़ावे हैं एक फंदे के पांच फंदे बैक साइड से उसको हम सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। धागा को अपनी तरफ लेंगे, इन पांच फंदों को पहले हमने खोलना है, एक दो तीन चार पाँच। पांच फंदे खोलने के बाद इस तरह से इन पांच फंदों का एक फंदा बना लेंगे। जो बढ़ाए हुए फंदे हैं उसको बैक साइड से सीधा बनाना है, एक दो तीन चार पाँच। साइड वाला फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स ये। इसके बाद एक रो पूरा हमने सीधा बनाना है और बैक साइड से भी हमने सीधा बनाना है। इस तरह से बन के आएगा लेडीज़ कार्डिगन के लिए, बेहद खूबसूरत डिज़ाइन पूरा बन के ये इस तरह से दिखेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।